खबरें आ रही हैं कि नेपाल में चीनी घुसपैठ पर चुके डाले हुए हैं। हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। शाहरुख खान एक बार फिर से आर्मी ऑफिसर के रोल में एक्शन करते दिखाई देने वाले हैं। पठान और जवान जैसी सफल फिल्मों का निर्माण करने के बाद शाहरुख खान जल्द ही भारतीय वायुसेना पर फिल्म लेकर आएंगे। उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भारतीय सेना के ऑपरेशन खुकरी पर फिल्म बनाने जा रही है, ऐसी इनसाइड खबरें हैं। खबर के मुताबिक रेड चिलीज इस प्रोजेक्ट के लिए जमकर रिसर्च कर रही है। ये फिल्म अजूर एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाई जाएगी। भारतीय सेना और वायु सेना के जज्बे को सलाम करती इस फिल्म की शूटिंग अफ्रीका में होगी। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर फाइनल किए जा चुके हैं। ये रेड चिलीज की सबसे महंगी फिल्म होगी। जहां तक शूटिंग की बात करें तो वो इस साल के एंड तक शुरू हो सकती है। ऑपरेशन खुकरी साल 2000 में भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा पश्चिम अफ्रीका के सियारा लियोन के जंगल में शुरू हुआ था। नई दिल्ली से वायु सेना के 120 अधिकारी एयरलिफ्ट कर अफ्रीका भेजे गए थे ताकि वहां फंसे 223 लोगों को अपने देश में वापस लाया जा सके। इन लोगों को संयुक्त राष्ट्र ने वहां के विरोधी संगठन क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा से निपटने के लिए सरकार की मदद के लिए भेजा था। वहीं बता दें आपको, इससे पहले खबर आई थी कि किंग खान 2024 में 3 फिल्मों के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक फिल्म सुहाना खान के साथ जिसमें SRK एक बहुत बड़ा कैमियो करने वाले हैं। वहीं दूसरी फिल्म करण जौहर संग और तीसरी डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ हो सकती है। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि ऑपरेशन खुकरी को लेकर चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों शाहरुख खान को लेकर धूम 4 भी चर्चा में आई थी। खैर, आपका ऑपरेशन खुकरी पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल AG फिल्म ट्रेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।